आज हम बात करेंगे नागौर लोकसभा सीट की। यह सीट अभी काफी चर्चाओं में भी है, इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहले तो आप समझिए, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यह नागौर संसदीय क्षेत्र की राजनीति से प्रमाणित हो रहा है। यहाँ कांग्रेस भाजपा के नेता अपने अपने मतलब से समय समय पर पाला बदलते नजर आए हैं। अब समय का खेल देखिए, पिछले तीन चुनाव कांग्रेस से लड़ चुकी ज्योति मिर्धा इस बार भाजपा प्रत्याशी है, और पिछली बार भाजपा का साथ देने वाले हनुमान बेनीवाल अब की बार कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी कहानी तो यहीं से शुरू होती है। राजस्थान की सियासत में चर्चा है कि नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन कराने में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे बड़ी भूमिका रही है। चर्चा तो यह भी है कि हनुमान बेनीवाल से नागौर में हाथ मिलाकर अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस कदम से गहलोत ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जोधपुर के ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा व बाड़मेर के बायतू विधायक हरीश चौधरी को निपटा दिया है। इसके साथ ही बड़ी जानकारी तो यह भी निकल कर आ रही है कि जालौर सिरोही संसदीय सीट पर इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। अब बताया जा रहा है, वैभव को जिताने के लिए वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, और आरएलपी से गठबंधन का फायदा अशोक गहलोत जालौर सिरोही में भी लेना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह भी हो सकता है कि जालौर और सिरोही में हनुमान बेनीवाल बड़ी रैलियां करते नजर आए, यानी कि गठबंधन के पर्दे के पीछे अशोक गहलोत ही है, वरना कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन नहीं चाहता था, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस आलाकमान की भी बहुत खिलाफत की है। विरोध कर रहे नेताओं का कहना है कि जैसे भाजपा का साथ उन्होंने छोड़ा है, वैसे ही बेनीवाल कांग्रेस का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया है कि गठबंधन में अभी से भीतरघात का खतरा उत्पन्न हो चुका है। दरअसल आपको बता दूं, बेनीवाल की पार्टी का हालिया चुनावी प्रदर्शन ग्राफ काफी गिर गया है। उनकी पार्टी आरएलपी से पिछली बार 3 विधायक जीते थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा महज 1 पर रह गया है। राजस्थान की राजनीति में चर्चा यह भी है कि नागौर में हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के पक्ष में अकेले अशोक गहलोत ही थे, जबकि विधानसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा व हरीश चौधरी के लिए हनुमान बेनीवाल वोट कटवा साबित हुए थे। यह दोनों गठबंधन के बेहद ही खिलाफ थे। वहीं डोटासरा भी अपने किसी रिश्तेदार को नागौर सीट से लॉन्च करवाना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने पूरा खेल बदल दिया। इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जब बीजेपी ने ज्योति मिर्धा का नाम फाइनल कर दिया, तो उसके बाद में ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का कोई भी नेता तैयार नहीं था, क्योंकि मिर्धा परिवार का नागौर में एक अलग वर्चस्व रहा है। और साथ ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो हाल हुआ है, उसके बाद कांग्रेस काफी बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन अशोक गहलोत ने एक बार फिर जादूगिरी दिखाई, आरएलपी से गठबंधन करवाकर मुकाबला कड़ा कर दिया है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया, इस गठबंधन का सबसे अधिक फायदा लेना चाहते हैं खुद अशोक गहलोत। अब आपके मन में बड़ा सवाल है कि आखिरकार यहां पर कौन चुनाव जीतेगा। तो देखिए, अभी तक 2 सर्वे आए हैं। न्यूज 18 ने सर्वे करवाया और एबीपी सी वोटर ने भी एक सर्वे करवाया। उसके अनुसार यानी कि दोनों सर्वे में दावा किया जा रहा है कि तीसरी बार बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिलेगी। लेकिन यह सर्वे उस समय का है जब हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसी वजह से अब एक बार फिर समीकरण बदल चुके हैं और यहां पर मुकाबला कड़ा हो गया है। ऐसे में कुछ कहना जल्दबाजी ही होगी, लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, राजनीति में न तो कोई दोस्त होता है और न ही दुश्मन होता है। आपने देखा होगा, चुनाव के समय कई लोग आपस में उलझ जाते हैं और बहसबाजी करते हैं और अपने अपने पसंदीदा नेता के लिए झगड़ा भी कर लेते हैं। तो राजनीतिक बहसबाजी में अपने संबंध न बिगाड़े, क्योंकि नेताओं को 2 सेकंड लगते हैं पाला बदलने में। नेता चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के, यह सब अपना अपना फायदा देखते हैं। बाकी अगली बार किसी और लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।